चलो, कहता है एनर्जी करंट कैरिंग क्वाइल। अगर एक हमारे पास क्वाइल है, सोलेनाइड है, ठीक है, उस फॉर्म में कोलेनाइड क्वाइल है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्टोर होगा यार? तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड में, अगर किसी क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, सॉरी, करंट कैरिंग क्वाइल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है? ऑब्वियसली अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा, तो ये चार्ज कंडक्टर जनरली नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई कंडक्टर है, क्वायल है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कहानी है ही नहीं, तो ये गलत है। मैग्नेटिक फील्ड में इसकी एनर्जी स्टोर होती है, और उसकी वैल्यू होती है एनर्जी स्टोर ½ L I² आप पढ़े होगे, मैग्नेटिक एनर्जी, L इंडक्टेंस ऑफ द क्वायल, I इज द करेंट फ्लोइंग। जितना ज़्यादा करेंट होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, डाई इलेक्ट्रिक फॉर्म में नहीं होती, ये गलत है। मतलब B ऑप्शन सही है।